सीटेट का एग्ज़ाम क्या होता है, सीटेट के एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या है, सीटेट के एग्ज़ाम में 2021 में कितने पेपर होंगे, सीटेट के एग्ज़ाम की एज लिमिट के साथ साथ सीटेट की एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कौन सी वेबसाइट पे करें, अगर सीटेट पास कर लेते हो तो उसके बाद आपका स्कोप क्या है। तो आज की इस पूरी वीडियो में मैं सीटेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। तो मेरे ऐसे साथी जो पहली बार जो है सीटेट के एग्ज़ाम को देने जाएंगे या जो सीटेट के एग्ज़ाम में पूरी तरीके से जानते नहीं हैं, तो YouTube के ऊपर ये ऐसी वीडियो है पहली जो सीटेट क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके अंदर कितने पेपर होंगे, दोनों पेपर के अंदर क्या क्या आएगा, कहाँ पर अप्लाई करना है, और अगर आप इसे क्लियर कर लेते हो तो आपके पास स्कोप क्या क्या है, आपकी एज लिमिट क्या क्या है, आपने कौन कौन से कोर्सेज किए होने चाहिए सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए, आपके पास कितने परसेंटेज होने चाहिए आपकी ट्वेल्थ में, उसके अलावा कौन कौन सा डिप्लोमा आप करके सीटेट को कर सकते हो, यानी सीटेट के बारे में ये वीडियो पूरी कंप्लीट होने वाली है। तो जो पहली बार सीटेट के साथ जुड़े हो वो इस पूरी वीडियो को देखना दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा टाइम अलग अलग चीज़ों को देते हो लेकिन अपने एग्ज़ाम के लिए उसको समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा सीटेट से रिलेटेड। शुरुआत करते हैं सीटेट क्या है इसको समझने से। ध्यान से अगर आप देखें तो सीटेट एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसका आयोजन CBSE द्वारा किया जाता है। सीटेट का आयोजन CBSE करती है दोस्तों, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपको शिक्षकों का चयन करना है, यानी कि शिक्षकों के सिलेक्शन के लिए ही सीटेट का जो है एग्जाम लिया जाता है। और NCERT के द्वारा निर्धारित जो नियम होते हैं, गाइडलाइन होते हैं, उसी के आधार पर केंद्रीय स्कूलों में शिक्षक की नौकरी के लिए अभ्यर्थी को सीटेट पास करना अनिवार्य है। इस परीक्षा को आयोजित करने की जिम्मेदारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के साथ UPSC को सौंपी गई है। ये जो सीटेट का एग्ज़ाम है दोस्तों, इसका आयोजन किया जाता है ताकि आपको नौकरी के लिए सिलेक्ट किया जा सके। आपको अगर एक टीचर की नौकरी चाहिए तो आपको सीटेट पास करना बहुत ज़रूरी होगा। टीचर्स के सिलेक्शन के लिए ही सीटेट जो है लिया जाता है। आप किसी भी स्कूल में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपने सीटेट पास कर रखा होगा। अगर आपने सीटेट पास नहीं कर रखा तो चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मास्टर लगना है, मास्टर नहीं लगना है तो सीटेट को पास करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये सीटेट आखिरकार है क्या, इसको तीन पॉइंट के अंदर हम समझ सकते हैं। पहली बात दोस्तों, सीटेट एक ऐसी परीक्षा है जिसके जरिए प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए आपकी योग्यता की जांच की जाती है। अगर आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। CTET परीक्षा के द्वारा प्राइमरी शिक्षकों के व्यवहारिक तथा मानसिक योग्यता की जांच की जाती है। याद रखना दोस्तों, पहली से पांचवी और छठी से आठवीं तक ये दो पेपर होते हैं दोस्तों सीटेट के। अगर आपको एक टीचर लगना है तो सीटेट कैसा है, कंपलसरी है। आगे सारी बातें बताऊंगा, स्किप करके नहीं जाना है। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, लाइक का बटन दबा दो। इस परीक्षा में यानी सीटेट में कक्षा 8 से 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये परीक्षा ली जाती है, और ये परीक्षा नेशनल लेवल पर आयोजित की जाती है, किसी एक स्टेट में नहीं होती। सीटेट का एग्जाम नेशनल लेवल पर आयोजित किया जाता है। इस परीक्षा की मान्यता हमारे देश का हर राज्य में है, यानी कि इसकी मान्यता हमारे देश के हर राज्य में है। याद रखना, सीटेट एग्जाम का मुख्य उद्देश्य है कि वह बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा शिक्षक चुन सके। इसलिए प्राइमरी शिक्षकों की और जो छठी से आठवीं तक की क्लास के शिक्षक बनते हैं उनके लिए हमारा सीटेट जो है लाया जाता है दोस्तों। दोस्तों यह परीक्षा दो पेपर के अंदर होती है, पेपर 1 और पेपर 2। कक्षा पहली से पांचवीं तक तो है हमारा पेपर 1, और कक्षा छठी से दसवीं तक है, आठवीं तक है हमारा पेपर 2 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पेपर 2 के जरिए 6 से 8 तक और पेपर 1 के जरिए 1 से 5वीं कक्षा तक आप जो है टीचर लग सकते हैं। तो सीटेट के एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है,
यानी कि पहले पेपर को कौन कौन दे सकता है, एलिजिबल कौन कौन है, देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहले पेपर के जरिए कक्षा एक से लेकर कक्षा पांचवी तक के शिक्षक के लिए योग्यता की जांच की जाती है, यानी जो पेपर वन होगा दोस्तों वो पहली से पांचवी तक के टीचर्स के लिए होगा। पहले पेपर परीक्षा देने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा किसी भी विषय में कम से कम 60% अंक के साथ पास करनी होती है, यानी कि जो आपकी 12th होनी चाहिए, 12th में आपके नंबर होने चाहिए कम से कम 50%। इतने तो आई गए होंगे, 50% आज के टाइम पर लेना बहुत आसान है। रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12वीं के अंदर 50% नंबर होने चाहिए। और दोस्तों सिर्फ 12th के 50% नंबर से काम नहीं चलेगा, 12वीं के साथ साथ आपको डीएड यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर आपको क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, उसके बाद आप एग्जाम पहला दे सकते हो, पेपर वन वाला जो पहली से पांचवी तक का हो। तो दोस्तों पेपर वन के लिए सीधी सिंपल सी एलिजिबिलिटी है, क्या क्या एक चीज मांग रखी है कि पहले से पांचवी तक के शिक्षक के लिए आपके पास 12th के अंदर 60% अंक होने चाहिए। कितने? 60%, 50 नहीं। 12वीं के साथ साथ आपको डीएड भी करना होना चाहिए, यानी कि आपने डिप्लोमा भी किया होना चाहिए, चाहे आपने डीएड कर रखा हो, चाहे आपने डीएलएड कर रखा हो, चाहे आपने कोई भी एजुकेशन के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए आपका, आप पेपर वन दे सकते हो। जो दूसरा पेपर है दोस्तों वो पहली से आठवीं तक के लिए होता है। कौन से जांच की जाएगी? पहली से आठवीं नहीं दोस्तों, छठी से आठवीं, सिक्स टू एट्थ। अब यहां पर खुद देखिए दोस्तों, एक बात सीधी सिंपल सी समझनी है, पहली से पांचवी, पहली से पांचवी के लिए सीटेट का पेपर वन और छठी से आठवीं के लिए पेपर टू। इसके अंदर भी दोस्तों आपको पहले तो 12th पास करनी पड़ेगी 60% नंबर के साथ, ठीक है। पहली चीज क्या है यहां पर? पहली चीज है दोस्तों कि आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास करनी है 60% के साथ, यानी कि 12th के अंदर आपके 60% आने चाहिए, पहली बात हो गई ये। दूसरी बात ये दोस्तों, आपको ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए आपकी, क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के साथ आपने बीएड भी किया होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको बीएड कोर्स को भी पूरा करना अनिवार्य होता है, तब आप दूसरे पेपर की परीक्षा को दे सकेंगे। 12th के अंदर 60% नंबर, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, यह है पेपर टू का एलिजिबिलिटी, इसके बिना आप पेपर टू नहीं दे सकते। तो सीधी सिंपल सी बात है, पेपर वन के लिए कम से कम बोर्ड के अंदर 60% नंबर और एक डिप्लोमा आपका एजुकेशन का, और सीटेट पेपर टू के लिए 12th के अंदर 60% ग्रेजुएशन और फिर आपने बीएड भी की हुई होनी चाहिए। उसके बाद उम्र सीमा की बात करते हैं, एज लिमिट की। दोस्तों याद रखें, अगर सीटेट 2021 का आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि आप कम से कम 18 वर्ष के हो। उसके बाद दोस्तों अधिकतम आयु तय नहीं की गई है, उम्र कितनी भी हो आपकी, आप कम से कम 18 साल के हो और आपके पास ये एलिजिबिलिटी हो इनमें से कोई सी भी, तो आप सीटेट का एग्जाम बिल्कुल दे सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। 12th पास करके 60% के साथ आपने डिप्लोमा कर रखा है एजुकेशन में, सीटेट पेपर दो, 18 साल से ऊपर के हो, कोई रोक नहीं सकता। अगर आप 60% 12th में ले आए, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की और उसके बाद आपने बीएड भी कर ली, तो भी आप पेपर टू के लिए एलिजिबल होंगे, उम्र 18 साल से ऊपर हो, अधिकतम आयु की सीमा नहीं है, तो एज लिमिट के लिए इसमें घबराना नहीं है। अब एक चीज और याद रखना, ये अभी वैलिड माना जाता है 7 साल, अभी लाइफ टाइम के लिए वैलिड नहीं हुआ है, लाइफ लॉन्ग के लिए अभी वैलिड नहीं हुआ है, लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा काफी जल्दी, लेकिन अभी 7 साल ही है ये। आगे देखिए, अब बात करते हैं सीटीईटी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया है इस वीडियो को तो कर दो। एग्जाम पैटर्न के अंदर सबसे पहले पेपर की बात करते हैं। देखो दोस्तों, पहले लेवल के ऊपर जो पेपर वन होता है उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 150 क्वेश्चन।
और 150 क्वेश्चन के लिए टाइम दिया जाता है 150 मिनट, यानी कि ढाई घंटा, यानी कि एक क्वेश्चन को करने के लिए एक मिनट आपको मिलता है पेपर वन में, 150 क्वेश्चन 150 मिनट में। अब ये 150 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको सॉल्व करने होते हैं। अब ये क्वेश्चंस 150 किस किस चीज के होते हैं, ध्यान देना दोस्तों, 30 क्वेश्चन हिंदी से, 30 क्वेश्चन अंग्रेजी से, 30 क्वेश्चन मैथ से, 30 क्वेश्चन बाल विकास से और 30 क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन से पूछे जाते हैं। यानी 30-30 के पांच सब्जेक्ट पूछे जाते हैं आपके, यानी कि लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ईवीएस, मैथ्स एंड सीडीपी। दोस्तों याद रखना, ये पांच सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। दोस्तों एक चीज और आपको याद रखनी है, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बिल्कुल भी, खुल के तुक्के मार सकते हो। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, आप अपनी पसंदीदा भाषा का चुनाव भाषा 1 और भाषा 2 के हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको हिंदी नहीं चाहिए, संस्कृत चाहिए, तो आप संस्कृत को लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 कोई भी ले सकते हो। तो जो लैंग्वेज चूज करनी होगी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, जो भी लैंग्वेज आप चूज करना चाहो कर सकते हो। लेकिन एक बात और याद रखना कि ये हर सब्जेक्ट के जो 30-30 नंबर है उसमें 15 नंबर सब्जेक्ट के होंगे और 15 नंबर उस सब्जेक्ट की पेडागोजी के, इसीलिए हर जो सब्जेक्ट होगा वो 15-15 नंबर में टूटा हुआ होगा। दोस्तों ये याद रखना, जैसे कि लैंग्वेज 1 में 15 नंबर लैंग्वेज के और 15 नंबर लैंग्वेज की पेडागोजी के, ऐसे ही लैंग्वेज 2 में 15 नंबर लैंग्वेज के, 15 नंबर लैंग्वेज पेडागोजी के, ऐसे ही मैथ के अंदर 15 नंबर मैथ के कंटेंट के और 15 नंबर मैथ की पेडागोजी के, और ऐसे ही 15 नंबर ईवीएस के कंटेंट के और 15 नंबर ईवीएस की पेडागोजी के। तो हर सब्जेक्ट की पेडागोजी 15 नंबर की, कंटेंट 15 नंबर का और सीडीपी 30 नंबर का। तो ऐसे करके दोस्तों 30 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मिनट में आपको करने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 5 के 5 सब्जेक्ट अगर आपके मजबूत हैं तो एग्जाम को क्लियर कर लोगे, अगर नहीं है तो बैक टू स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके सारी चीजें हो रही हैं और हो जाएंगी। सीडीपी के 25 चैप्टर हो चुके हैं फ्री में, आप नीचे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब सेकंड पेपर की बात करते हैं, पेपर 2 छठी से आठवीं वाला, इसके अंदर भी आपको दूसरे स्तर के अंदर भी आपको 150 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। इन 150 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास ढाई घंटे का टाइम होगा, जितना पेपर 1 वालों के पास था, ढाई घंटा 150 मिनट, एक मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब ये 150 नंबर कहां कहां से आएंगे देखिए, 30 नंबर हिंदी के, 30 नंबर अंग्रेजी के, यानी कि यहां पर भी दोस्तों आप लैंग्वेज 1 चूज करते हो और लैंग्वेज 2 चूज करते हो, कोई भी चूज कर सकते हो दोस्तों, याद रखना कोई भी चूज कर सकते हो दोस्तों। बाल विकास के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और यहां पर सीडीपी। दोस्तों यहां पर भी दोस्तों तीसरा टॉपिक जो आ जाएगा वो हो जाएगा सीडीपी, 30 नंबर लैंग्वेज 1 के, 30 नंबर लैंग्वेज 2 के और 30 नंबर सीडीपी के, कितने नंबर हो गए, 90 नंबर हो गए। तो 60 नंबर किसके होंगे दोस्तों, याद रखना इसके अंदर जो ये 60 नंबर होंगे, ईवीएस नहीं आएगी इसके अंदर, 60 अंक के प्रश्न सामाजिक विज्ञान या फिर गणित और विज्ञान से पूछे जाते हैं, यानी कि पेपर 2 दो पार्ट में होता है। अगर आपने 12th में मैथ और साइंस ले रखा था तो वो 60 क्वेश्चन आप मैथ साइंस वाले दे सकते हैं, अगर आपने एसएसटी में देना है तो आप एसएसटी के 60 क्वेश्चन देख सकते हो। यानी पेपर 2 दो तरीके का होता है, एक तो होता है मैथ साइंस वाला और दूसरा होता है एसएसटी वाला, आप कोई भी दे सकते हो। ये देख लेना दोस्तों कि लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और सीडीपी के साथ या तो आप मैथ साइंस के 60 क्वेश्चन दे लो या एसएसटी के 60 क्वेश्चन दे लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। और इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग सीटेट पेपर 2 में नहीं है दोस्तों। तो पेपर 1 के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, पेपर 2 के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। पेपर 1 के अंदर 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर बन गए। ऐसे ही दोस्तों यहां पर सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 30-30 नंबर के 90 नंबर बन गए और जो बाकी के 60 नंबर रह गए या तो मैथ साइंस या फिर सोशल स्टडीज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो ये तो बात होगी हमारे एलिजिबिलिटी की कि क्या क्या आता है। अब आपसे बात करेंगे सीटेट एग्जाम अप्लाई कैसे करें। अब देखिए सीटेट के एग्जाम को आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो ये परीक्षा आयोजित की जाती है तो आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट seetet.nic.in पर जाएं, वहां पर दोस्तों आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब एक चीज याद रखना कि यहां पर फॉर्म फिल करते वक्त आपसे गलती ना हो जाए। जो भी डॉक्यूमेंट आपको डालने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे, वो हर डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके डालना होता है। कैसे करके डालना होता है? स्कैन करके। जैसे आपके सिग्नेचर मांगे, आपका फोटो मांगे, आपकी मार्कशीट मांगे, तो स्कैन करके डालो आप हर एक चीज। नहीं तो फिर आप एक साइबर कैफे वाले के पास जाओ, ₹50 में आपका फॉर्म भर देगा। उसके बाद दोस्तों सीटेट के एग्जाम के बाद करियर स्कोप क्या है, करियर स्कोप आफ्टर सीटेट एग्जाम। अब देखिए सीटेट के एग्जाम के बाद करियर के रास्ते खुलते जाते हैं दोस्तों, लेकिन कौन कौन से रास्ते खुलते हैं वो देखते हैं। सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि आप किसी भी प्राइवेट या फिर सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त आप किसी भी प्राइमरी स्कूल में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का मतलब है अप्लाई। अगर मान लीजिए आपने डिप्लोमा कर रखा है, ट्वेल्थ भी कर रखी है, फिर डिप्लोमा कर लिया, लेकिन सीटेट आपसे पास नहीं हुआ, तो आप प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते। आज के टाइम पर प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने के लिए आपके पास सीटेट पास होना जरूरी है। दूसरा, इस परीक्षा की मार्कशीट की जो मान्यता है वो 7 साल तक बनी रहती है। वैसे तो अब लाइफ टाइम कर दी है, लेकिन अभी उसको लागू नहीं किया गया है, तो आप कितना मानेंगे? 7 साल मानेंगे। तीसरी चीज ये है दोस्तों कि जितने भी सेंट्रल स्कूल हैं या जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट में जाकर आप सीटेट की मदद से पढ़ा सकते हो, और सेंटर के विद्यालयों के अंदर भी सीटेट वैलिड होता है। नवोदय विद्यालयों के अंदर भी सीटेट वैलिड, सैनिक स्कूल के अंदर भी सीटेट वैलिड। यानी सीटेट पास कर लिया तो आपके पास एक क्या आ गया, एक तरीके से अथॉरिटी आ गई कि आप अब शिक्षक बन सकते हो। तो दोस्तों यहां पर आप एक बात समझे कि जो भी स्टूडेंट शिक्षक बनना चाहता है उसे ये सीटेट तो पास करना जरूरी होगा ही। और उसके बाद सीटेट पास करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका टेस्ट किया जाता है, आपकी योग्यता जांच की जाती है कि तुम टीचर बनने लायक हो या नहीं हो। एग्जाम 2 पार्ट में होता है, पहला है पेपर 1 और दूसरा है पेपर 2। पेपर 1 के बारे में चीजें देखी, 1 से 5वीं तक की और 6 से 8वीं तक के पेपर 2 की बात हमने की। उसके बाद हमने बात की एज लिमिट क्या है, 18 वर्ष से ज्यादा हो आप कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद कैसे अप्लाई करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और करियर स्कोप भी मैंने आपको बता दिया। अब बैक टू स्कूल के इस चैनल पर CDP आपका पूरा करवा दिया है मैंने, लगभग 26 चैप्टर हो चुके हैं, जाकर देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 को क्लियर करना चाहते हो, बैक टू स्कूल चैनल आपके साथ है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इस वीडियो को यार दोस्तों तक पहुंचाइए। सीटेट के बारे में कुछ जानना चाहते हो, कुछ डाउट हो तो सीधा नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा, आप लोगों की मदद की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करता हूं। इस वीडियो में आपने जाना कि सीटेट क्या है, व्हाट इज सीटेट, तो इसको लाइक शेयर करके दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। टेक केयर दोस्तों।